या गरीब समाज के लोगों की लड़ाई उत्तर प्रदेश के सदन में हो पाएगी? हमने कहा था मेरे सम्मानित भाइयों, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को तो ये गरूर था कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। किसी कार्यकर्ताओं के चाहने पर ओम प्रकाश राजभर डिसीजन नहीं लेता, मैं जो कहूंगा वो होगा। हमने कहा कि महोदय, आज 22 के चुनाव का पारा चढ़ा है, आपको भी बहुत गर्मी चढ़ी है, चुनाव से पहले तो खूब गर्मी रहेगी, लेकिन चुनाव के बाद महोदय, महेंद्र राजभर आपके यहाँ कह करके जा रहा है कि आपकी गर्मी उतर जाएगी, समाज के लोग उतार करके दम लेंगे, मत घबराओ। आज के डेट में मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं, जब हमने 5 सितंबर को पार्टी से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद 27 सितंबर को हमने उससे पहले तमाम कार्यकर्ताओं को हमने बुला करके लोगों से राय लिया, और राय लेने के बाद मेरे सम्मानित भाइयों, मऊ के धरती पर हमने 27 सितंबर को पार्टी का निर्माण किया, और पार्टी का निर्माण करके यह बात ऐलान करके हमने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को समाज के लोगों, 27 अक्टूबर को 20 वर्ष हो जाएगा, आपने 20 वर्ष समय दिया, महेंद्र राजभर को केवल 5 वर्ष समय दो, सदन में तुम्हारे 20 से दर्जनों लोगों को न पहुंचा दिया तो फिर राजनीति करना छोड़ दूंगा। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, पार्टी बना करके हमने ये भी कहा था कि 5 वर्ष तक हमारा पदाधिकारी अपने पद पर यथावत रहेगा, और 5 वर्ष के बाद जो हमारी कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में एक कोर कमेटी होगी, और कोर कमेटी के लोग मेरे सम्मानित भाइयों, 5 वर्ष के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे। यह बाप बेटा की पार्टी नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बाप बेटा की पार्टी है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाज के लोगों की है, कार्यकर्ताओं की है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुले मन से ऐलान करके आपसे कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, एक बार मन और मिजाज बना करके महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर के नेतृत्व में आप कदम से कदम मिला करके चलो मेरे सम्मानित भाइयों। जो पूर्व का नेता है बाबा के यहां जाकर के लौट गया है, पूर्व का नेता बाबा जी के यहां जाकर के लौट गया है, हम आपके माध्यम से इस कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जाकर के वही बाबा जी के यहां विलय कर लीजिए, कम से कम बाप बेटा दोनों लोग वहां स्थापित हो जाओगे, अब तुम्हारी पार्टी चलने वाली नहीं। इस नाते समाज के लोगों, महेंद्र राजभर जिस दिन पार्टी का घोषणा किया, उसी दिन ऐलान करके कहा था कि जिन महिलाओं की उपेक्षा होती है, माँ बहनों को जो हक हिस्सा अधिकार नहीं मिलता है, जब आपके अगला चुनाव में उत्तर प्रदेश के सदन में एमएलए पहुंचेंगे मेरे सम्मानित भाइयों, तब महिलाओं को 50% आरक्षण कैसे मिलेगा, महिलाओं को सम्मान और न्याय अधिकार कैसे मिलेगा, इसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश के सदन में 27 में निश्चित होगा मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दूसरी लड़ाई हम लोगों की है मेरे सम्मानित भाइयों, जो पिछड़े गए लोग हैं, पिछड़े गए लोगों के बेटा और बेटी जो पढ़ नहीं पाते हैं मेरे सम्मानित भाइयों, 1 से लेकर 16 तक एमए तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो नेता लखनऊ और दिल्ली के सदन में पहुंचेगा, सदन में मजबूती से आवाज रख करके, आवाज उठा करके मेरे सम्मानित भाइयों पास कराने का काम करेगा। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतर लड़ाई हम लोगों की है, इस लड़ाई में कहीं से आपको संशय में नहीं रहना है मेरे सम्मानित भाइयों, नेता भी आप बनोगे, अच्छे कार्यकर्ता भी बनोगे। ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को कहा था, इसी बनारस के धरती सुहेल देव पार्क से ऐलान करके कहा था कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी
राजभर समाज के नेताओं को लोडर बनाया है, मैं लीडर बना करके दम लूंगा। मैं आपके माध्यम से उनके हाथ तक संदेश भेजवाना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर को 20 बरिस हो जाएगा। 20 बरिस में एक भी समाज के किसी नौजवान को नेता बना दिए हो, आप हमसे आकर के बता देना मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपके साथ खड़ा न मिलूं तो फिर कहना कि असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज नहीं। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 5 बरिस के लिए महेंद्र राजभर और डॉक्टर बलिराज राजभर आपसे मौका मांग रहा है, 5 बरस में आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके समाज के 10 नौजवानों को 5 बरिस में महेंद्र राजभर नेता न बना दिया मेरे सम्मानित भाइयों, तो 5 बरिस बाद आपके इलाके में नहीं दिखेगा। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर प्रबंध करूंगा, थोड़ी सी आपके सहयोग की जरूरत है मेरे सम्मानित साथियों। इस नाते आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलिए, और कदम से कदम मिलाकर के चलने के साथ साथ मेरे सम्मानित भाइयों, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, इस लड़ाई को ये मत समझिए कि केवल नेता ही पहुंचा देंगे लड़ाई तो संगठन मजबूत हो जाएगा। जब तक आप हम सारे लोग, हम समस्त लोग इस लड़ाई को धरातल तक नहीं ले जाएंगे, इस लड़ाई को उन कार्यकर्ताओं तक नहीं ले जाएंगे जो कार्यकर्ता आज भी अंधभक्त होकर के ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है मेरे सम्मानित भाइयों, उन कार्यकर्ताओं को आप समझाओ, उन कार्यकर्ताओं को यह बात आप समझाने का काम करो। इसी 22 के चुनाव में 17 सीट मिला था, 17 सीट में मेरे सम्मानित भाइयों, सीतापुर जनपद में मिश्रिक जो सीट है विधानसभा की, वह सीट मिली थी राजवंशी राजभर जी को, सुरक्षित सीट थी। पैसा के दम पर वहां अपने कार्यकर्ताओं को ठुकराते हुए एक पूंजीपति को उन्होंने टिकट देने का काम किया। हरदोई जनपद में मेरे सम्मानित भाइयों संडिला विधानसभा है, जो 5 बरिस से आपके दल में सुनील सिंगर पंसी आया था प्रदेश अध्यक्ष बना करके, संडिला विधानसभा उनको लड़ाने का उन्होंने काम किया था। फिर बगल में मेरे सम्मानित भाइयों सिद्धार्थ नगर जनपद में सोहरतगढ़ विधानसभा है, जहां से ईटवा से प्रत्याशी प्रेमचंद कश्यप जी को बुला करके पैसे के दम पर सोहरतगढ़ में टिकट दे करके उनको लड़ाने का काम किए थे। बगल में आपको ले चलता हूं जनपद बस्ती में, बस्ती जनपद में महादेवा विधानसभा पाए थे, महादेवा विधानसभा में मेरे सम्मानित भाइयों एक मिनट का भी कार्यकर्ता दूधराम नहीं था, पैसे के दम पर दूधराम को टिकट दे करके महादेवा से उन्होंने विधायक बनाने का काम किया। बगल में उसी मंडल का जनपद है संत कबीर नगर जनपद में धनघट्टा विधानसभा सीट जो सुरक्षित सीट थी, अलगू राम चौहान को एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, ओम प्रकाश राजभर ने वैसे बाहरी नेताओं को टिकट दे करके इस बात को प्रमाणित करने का काम किया कि न तो मैं समाज का हूं, न तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता का। अलगू राम को टिकट धनघट्टा विधानसभा में दिया था, महाराजगंज जनपद में मेरे सम्मानित भाइयों महाराजगंज सदर विधानसभा की सीट थी, जहां से गीता रत्ना पासवान को उन्होंने टिकट दिया, एक दिन की कार्यकर्ता नहीं थी। आप चले आओ जनपद कुशीनगर में मेरे सम्मानित भाइयों, रामकोला विधानसभा है, जहां से पुनवासी देहाती को उन्होंने टिकट दिया। बगल में रामकोला से सटी हुई सीट है खड्डा विधानसभा, जहां से उन्होंने अशोक सिंह चौहान को टिकट देने का काम किया, एक दिन का भी कोई कार्यकर्ता नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। उसी मंडल का जनपद है देवरिया विधानसभा सलेमपुर में मनबोध राम को टिकट देने का काम किया, एक दिन का कार्यकर्ता नहीं। बगल में जनपद बलिया है मेरे सम्मानित भाइयों, बलिया जनपद में बेलथरा रोड विधानसभा हंसुराम को टिकट देने का काम किया, जो काफी दौलत दे करके टिकट लिया था मेरे सम्मानित भाइयों, वो क्या कार्यकर्ता का मरम जाने। बगल में बलिया जनपद में रसड़ा विधानसभा की सीट है, जहां पर कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देने का काम किया,
बगल में मऊ जनपद में मेरे सम्मानित भाइयों मऊ सदर विधानसभा, यहाँ पर पिछली बार आपका बेटा आपका भाई चुनाव लड़ा था, आपके कृपा से 90,000 वोट पाकर के मुख्तार से 6,000 वोट से हारा था। मऊ सदर के सीट को लेकर के अब्बास अंसारी को बेचने का काम किया। बगल में यही जनपद गाजीपुर है, गाजीपुर जनपद में जखनिया विधानसभा की सीट है, जहाँ पर जौनपुर से प्रत्याशी बेदी राम को बुलाया था पैसे के दम पर। बगल में जहाँ आप बैठे हो मेरे सम्मानित भाइयों, इस जनपद में शिवपुर विधानसभा की सीट है, जहाँ आप बैठे हो अपने बेटा को सीट देने का काम किए। बगल में अजगरा विधानसभा है, जहाँ पर सुनील सोनकर को पैसे के दम पर उन्होंने टिकट दिया। बगल में जौनपुर जनपद में जफराबाद विधानसभा है, जहाँ पर जगदीश नारायण राय को पैसे के दम पर टिकट देने का काम किया मेरे सम्मानित भाइयों। और अपने आप को कहता है कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को कलंकित करने वाले व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव जी के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता। क्यों अपने आप को महाराजा सुहेलदेव जी से जोड़ते हो? पूरे प्रदेश में घूम करके कहा करते हो कि महाराजा सुहेलदेव जी का दूसरा कोई अवतार है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आप बताओ समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराजा सुहेलदेव जी ने जो तलवार उठाया था देश के सम्मान और आबरू को बचाने के लिए, उन्होंने तलवार उठाया था इनके लिए बेचने के लिए थोड़े तलवार उठाया था। ये समाज को जोड़ते हैं सुहेलदेव जी से, दूसरा नाम जोड़ते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से। मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को आप कलंकित मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी तमाम देश के गरीबों के लिए उन्होंने कानून लिखा, और कानून लिख करके उन्होंने संविधान के तहत न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संघर्ष करते रहे। अपने आप के नाम से बाबा साहब को जोड़ते हैं, शर्म नहीं लगती है बाबा साहब और सुहेलदेव जी के कृतियों से अपने आप को जोड़ने के लिए। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, कहीं से उनके बहकावे में, कहीं से उनके झांसे में आपको आने की जरूरत नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अंतिम दम तक आपकी लड़ाई लड़ती रहेगी, कहीं से भी आपका सम्मान और स्वाभिमान नहीं जा सकता। इस नाते हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया। काफी आप लोगों ने यहाँ बैठ करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं की बात आप सुन रहे थे। हम एक चीज आपसे कहना चाहूंगा मेरे सम्मानित भाइयों, हम 5 बरस सिर्फ आपसे मौका मांगा हूं, और इस बात का सुहेलदेव के नगरी से वचन आपको देता हूं, 5 बरिस में दर्जनों एमएलए महेंद्र राजभर लखनऊ के सदन में पहुंचा करके दम लेगा आपके आशीर्वाद के दम पर। इस नाते मेरे सम्मानित साथियों, आज जो यहाँ आपको मैं बुलाया हूँ, कुछ राष्ट्रीय कमेटी का भी घोषणा करूंगा, प्रदेश के कमेटी का भी घोषणा करूंगा, जिला के कमेटी का भी घोषणा करूंगा, ब्लॉक और विधानसभा के कमेटी का भी घोषणा करूंगा, और जिनको जिम्मेदारी जनपद की दी जाएगी मेरे सम्मानित साथियों, उन नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, ईमानदारी से आप संघर्ष करो,